हे गाइस, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो। और आज के समय में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीवो T1 5G के एक स्क्वायर टीम, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और गाइस, वीडियो से आगे होने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता या आपको थीम डाउनलोड करने में नहीं आता, तो फिर दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो वीडियो से आगे होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर गाइस आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑफ पर क्लिक करना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइज, विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, वीडियो से आगे होने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि अगर आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता या आपको थीम डाउनलोड करने में नहीं आता, तो फिर आपको दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइज, तो मैं यहाँ पर थीम स्टोर ओपन कर देता हूँ। थीम स्टोर ओपन करने के नीचे आपको तीन सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, होम कैटेगरी एंड मी। आपको मी वाले ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइज चेंज सेटिंग पर चले जाना है। चेंज होम स्क्रीन वॉलपेपर वर्जन थीम, चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर वर्जन थीम, ये दोनों ऑप्शन आपको इनेबल रखना है। इनेबल रखने के बाद लोकल थीम्स पर चले जाते हैं। ये वाली सबसे ऊपर वाली थीम यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर मैं इस थीम को अप्लाई कर लेता हूँ। अगर गाइज ये थीम ऑटोमेटिकली थीम स्टोर से डिलीट हो जाती है, तो फिर गाइज आपको दूसरी सारी थीम को कोई और थर्ड पार्टी फोल्डर में मूव करके ये थीम को ट्राई करना है। सो हमारा थीम अप्लाई हो चुका है। वॉलपेपर भी देख सकते हैं, वॉलपेपर काफ़ी बड़ा सा लग रहा है और आइकन्स भी, आइकन वाइज भी गाइस ये थीम काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो इसका डालने में भी आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, पर्पल शेप में आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइज, आपको इसका होम स्क्रीन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं बात करता हूँ इसका डालर वाइज, डालर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर गाइज आप कोई भी नंबर के इन्फो के ऊपर टैप करते हैं, वहाँ पर भी आपको न्यू लुक देखने को मिल जाएगा। ऐसे फंड टचर्स 11 में भी वर्क करता है। और गाइज ये थीम में भी आपको बैटरी वगैरह आइकन भी चेंज देखने को मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सेटिंग वाइज को लेकर, सेटिंग में भी आपको कम्प्लीटली फंड टचर्स 12 की तरह देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी। और सिस्टम अपडेट में गाइज आपको लुक चेंज देखने को मिलने वाला है फंड टचर्स 12 की तरह, जो कि फंड टचर्स 12 में कस्टम वर्जन में देखने को मिलता है, उसी तरह आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। और अबाउट फोन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइज, इस थीम का नेक्स्ट फीचर है वो गाइज आपको स्टेटस बार में चेंज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सिग्नल वगैरह आइकन, एरोप्लेन मोड आपको ऑन ऑफ कर लेना है, सिग्नल आइकन वगैरह चेंज हो जाएंगे। अगर आपका फंड टचर्स 10.5 है या कोई भी फंड टचर्स वर्जन का है, अगर आपका कंट्रोल हैंडल चेंज नहीं होता, तो फिर आप एक बार डार्क मोड इनेबल कर ऑफ कर लीजिएगा, आपका चेंजेस हो जाएगा। और बैटरी आइकन भी चेंज देखने को मिल जाएगी, फंड टचर्स 11 और 12 में वगैरह पे बैटरी आइकन वगैरह चेंज नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इनके लॉक स्क्रीन को लेकर, लॉक स्क्रीन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। सो लॉक स्क्रीन में आपको 2 वॉलपेपर्स देखने को मिल जाता है, एक जो होम स्क्रीन में देखने को मिलता है उस तरह देखने को मिलता है, सेकंड आपको ओरिजिनल्स वाला वॉलपेपर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और क्लॉक टाइल आपको ऊपर देखने को मिलता है, सेंटर में आपको चार्जिंग एनेशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने ओरिजिनल्स वाला चार्जिंग एनेशन इस थीम में ऐड कर लिया। सो इस थीम के साथ ये चार्जिंग एनेशन काफ़ी मस्त लग रहा है और ये थीम भी गाइस बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। अगर गाइज इस थीम में आपको कोई भी बक्स देखने को मिल जाता है, आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जरिए मैसेज कर सकते हैं, मैं उस बक्स को जल्द ही रिमूव कर लूँगा। सो इस थीम में गाइज आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन में। अगर आप चाहें तो फिर और दूसरा भी वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं। सो आप जो होम स्क्रीन में जो ऑर्डर देख रहे हैं, उसका वीडियो भी मैं जल्द ही बता लूँगा। और मेरे पास है गाइज 120 प्लस एंड्रॉइड 12 ऑर्डर्स, अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना लूँगा, फंड टचर्स 12 की 120 प्लस ऑर्डर्स। आप उसे आसानी से जोपुर ऑर्डर्स या फिर KWGT ऑर्डर्स से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप डैट ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना।